बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोफिया व्लॉग्स। आज की अपनी इस प्यारी सी वीडियो का आगाज़ करते हैं एक प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, अल्लाह ताला आप सबके खानों में बरकत दें और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला नसीब करें, आमीन। तो जी, आज की अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं बर्थडे व्लॉग के हिसाब से कि आप बर्थडे पे किन किन चार डिशेज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद इन शॉर्ट टाइम। तो आज की इस वीडियो में आपको तीन से चार डिशेस देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास है जी चिकन, यहाँ पर हमारे पास है अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ, इधर हमारे पास है टमाटर चॉप किया हुआ, इधर टमाटो केचप है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास गार्निशिंग के लिए अदरक और साथ में हरी मिर्चें, और इधर हमारे पास है जी ऑनियन चॉप किया हुआ, इधर हमारे पास है कोरिएंडर, यहाँ पर हमारे पास है योगर्ट मतलब कि दही, और इधर हमारे पास है सुरख मिर्च, गरम मसाला, नमक और हल्दी। तो ये हैं जी हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया जी प्याज चॉप किया हुआ, और इसको हमने करना है ट्रांसलूसेंट। जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट सा हो जाए इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी और साथ में नमक, और हल्दी को हमने भूनना है ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है लहसुन। लहसुन डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक, और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सुरख मिर्च और साथ में डालेंगे गरम मसाला। और माशाल्लाह से मसालों की खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी टमाटर, और टमाटरों को अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही ऑयल जो है छोड़ दे सालन, तो उसके अंदर हमने हल्का सा पानी ऐड करना है। 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, और आफ्टर 2 मिनट्स हम इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे जिसके अंदर दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और साथ में अब हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त मतलब कि चिकन, और चिकन हम यहाँ पर चिकन विंग्स ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और जी यहाँ पर अब हमने इसके अंदर डाल देना है दही, तकरीबन 10 से 15 मिनट चिकन को भूनने के बाद दही हम इसके अंदर डाल देंगे, और दही को हमने तब तक पकाना है जब तक कच्चापन दही का ख़त्म ना हो जाए। और जैसे ही दही ऑयल छोड़ दे साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे टोमेटो केचप। तो जी यहाँ पर हमारा जो सालन है वो हो चुका है रेडी, ग्रेवी रेडी हो चुकी है चिकन विंग्स की। अब हम बना लेंगे चावल। एक जो है ग्लास चावल है, यहाँ पर हमारे पास है बोनलेस चिकन, इधर हमारे पास है ऑनियन स्लाइसेस में काटा हुआ, इधर हमारे पास है लहसुन, इधर हमारे पास है जी हरी मिर्चें, और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास है योगर्ट, इधर हमारे पास है टमाटर, और यहाँ पर हमारे पास है जी खड़े मसाले हैं, नमक है, उसके बाद गर्म मसाला है, और साथ में सुरख मिर्च है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, और उसके अंदर हम डाल देंगे ऑनियन। जैसे ही ऑनियन ब्राउन हो जाए साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन चॉप किया हुआ, और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट ज़रा भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे खड़े मसाले, और साथ में हम ऐड कर देंगे जी नमक और गरम मसाला। नमक और गरम मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चें कटी हुई, और फिर डाल देंगे टमाटर, और फिर से भुनेंगे। और उसके बाद जैसे ही टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं और यहाँ पर हमारी ग्रेवी बन जाए, तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद जैसे ही बोनलेस चिकन मसालों में अच्छी तरह से घुल मिल जाए, अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे योगर्ट, इसके अंदर हमने मिला दिया थी हल्की सी, हमने मिला दी थी इसके अंदर काली मिर्च, और फिर से इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ज़रा भुनेंगे। और जैसे ही ऑयल हमारी जो ग्रेवी है वो छोड़ दे, साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चावल, क्योंकि जितने चावल थे उतना ही पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब हम इनको रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट ढककर, ताकि हमारे चावल गल जाएँ, गोश्त गल जाए, और चावलों का जो पानी है ये खुश्क हो जाए। तो मिलते हैं आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। तो जी यहाँ पर आफ्टर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स हमारा जो ये चावलों का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, और इनको हमने लगा दिया दम पर। अब हम रेडी कर लेते हैं मसालेदार आलू। तो मसालेदार आलू के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसके अंदर हमने डाल दिया जी सुरख मिर्च, और ये आलू पहले से बॉयल हैं, और अब हम इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे गरम मसाला। तो यहाँ पर हमारे मसालेदार आलू रेडी हो गए।
तो ये थी जी आज की बड़ी मज़ेदार सी प्यारी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बर्थडे प्रिपरेशन के लिए 3 से 4 ऐसी डिशेस जो कि आप झटपट तैयार कर सकते हैं अगर शॉर्ट टाइम है उसके लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जी ये हमारे पास है जी चना चाट। चना चाट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये हमारे पास चिकन विंग्स ग्रेवी, और यहाँ पर हमारे पास है बोनलेस चिकन पुलाव। तो और ये हमारे पास है जी मसालेदार आलू। तो जी प्लीज़ इस रेसिपी को, इन तमाम रेसिपीज़ को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। और जिनका आज बर्थडे है उनको मेरी तरफ़ से हैप्पी बर्थडे टू यू।